दोस्तों, अगर आप भी क्विंटन डेगॉग को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में सभी टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही हैं और आधा आईपीएल हो गया है। आईपीएल के 42वें मुकाबले में दो खतरनाक टीमें आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्विंटन डेगॉग और शिखर धवन में से बेहतर खिलाड़ी कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2022 का 42वां मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच में खेला गया, जिसमें पंजाब की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने करी तो लखनऊ की कप्तानी केएल राहुल ने करी। और पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए लखनऊ की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें लखनऊ की तरफ से कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डेगॉग पारी की शुरुआत करने के लिए आए, तो पंजाब की तरफ से अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कराने के लिए आए। और लखनऊ के कप्तान केएल राहुल इस बार बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। उन्हें तीसरे ही ओवर में कगिसो रबाडा ने जितेश शर्मा के हाथों कैच कराया और राहुल ने आउट होने से पहले 11 गेंदों में 6 रन बनाए। इसके बाद लखनऊ की टीम ठीक ठाक बल्लेबाजी चल रही थी, लेकिन क्विंटन डेगॉग अपने अर्धशतक से चूक गए और उन्हें संदीप शर्मा ने आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और डेगॉग ने आउट होने से पहले 37 गेंदों पर 46 रन बना दिए थे। तो वहीं दीपक हुड्डा अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए और वो 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन फील्डिंग पर तैनात जॉनी बेरेस्टो ने गेंद को सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर मारा और हुड्डा आउट हो गए और उन्होंने आउट होने से पहले 28 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक अच्छी साझेदारी के बाद लड़खड़ाती हुई नजर आई और टीम ने 11 रन के अंदर अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसमें रबाडा ने अपने तीसरे ओवर में 2 बड़े झटके लिए और उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर कृणाल पांड्या को 7 के स्कोर पर आउट किया। इसके बाद 5वीं गेंद पर आयुष बदोनी को चलता किया और राहुल चहर ने लखनऊ को 2 ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। उन्होंने सबसे पहले अपने तीसरे ओवर में स्टोइनस को अपनी ही गेंद पर आउट किया। इसके बाद अपने अगले ओवर में जैसन होल्डर को संदीप शर्मा के हाथों कैच कराया। तो वहीं 19वें ओवर में दशमंता चमीराज लगातार 2 छक्के लगाकर आउट हुए और अगली ही गेंद पर 10 गेंदों पर 2 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए और इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 153 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं, जिसमें पंजाब की तरफ से रबाडा ने 4, राहुल चहर ने 2 और संदीप शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया। जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए जब पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन मैदान पर आए, दोनों ही बल्लेबाजों से मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि मयंक अग्रवाल लगातार खराब प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ से शिखर धवन पिछले मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी करके आए हैं और दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए मोहसिन खान है, जिन्होंने इस सीजन सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है और पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन दिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए दशमंता चमीरा है, जो अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, और लखनऊ की टीम को शुरुआती विकेट लेने के लिए इनसे काफी उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इन्होंने विकेट तो नहीं लिया, लेकिन गेंदबाजी करते हुए 2 रन दिए और पंजाब को रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहसिन खान आए और इस ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने हाथ खोलते हुए 1 छक्का और 1 चौके समेत 15 रन जड़ दिए और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से स्कोर बोर्ड को आगे चलाया। इसके बाद अगला ओवर कराने के लिए जैसन होल्डर आए और इस ओवर में जैसन होल्डर से विकेट चटकाने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस ओवर में 8 रन आ गए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए दशमंता चमीरा को बुलाया गया और इस ओवर में पहले मयंक अग्रवाल ने छक्का जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर कप्तान मयंक अग्रवाल को 17 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 25 रन बनाकर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए जॉनी बेरेस्टो आ गए और इस ओवर में 1 विकेट के साथ 7 रन आ गए थे। तो वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर कराने के लिए आवेश खाना है और ओवर में 2 चौके समेत 10 रन आ गए और पावर प्ले में पंजाब की टीम ने 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी ने अपने खतरनाक प्रदर्शन से प्रभावित किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।